आगरा के थाना बलपुरा क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है, वहीं दोस्त के पास से तमंचा भी बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव भांडई में सोमवार शाम को 20 वर्षीय गजेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 2 घंटे के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। सूचना मिलते ही थाना मलपुरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। परिजनों ने गजेंद्र के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने उस दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। हत्या का कारण पता नहीं चल सका है, तो वहीं पुलिस अब आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। डीसीपी पश्चिम जोन सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि रात लगभग 9:15 पर सूचना मिली कि गांव भांडई में गजेंद्र पुत्र गोपाल सिंह की हत्या कर दी गई है। इस पर थाना पुलिस पहुंच गई। युवक का शव एक बाड़े में पड़ा मिला था, सीने में गोली मारी गई थी। ये बाड़ा उसके दोस्त का ही बताया गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप दोस्त पर लगाया है। वहीं मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट। आज दिनांक 2 जनवरी 2023 को थाना मलपुरा पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव भाई में एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक को इसके ही दोस्त ने भैंस के तबेले के पास बुलाकर गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी, उसके बाद मौके से फरार हो गया। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो बॉडी है उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जो एक्यूज्ड है इसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, इससे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है।